आमिर माजिद का रियलिटी सामने आ ही गया। सो हे गाइस, प्रोवाइडर 1000 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। गाइजर इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था एंड गाइजर आप सभी भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि गाइजर प्रोवाइडर 1000 का जो 360 कैमरा एंड तीनों कैमरा का जो अपडेट था वो मैं लेके आया हूँ कि क्या हुआ एंड पुलिस ने क्या बताया, क्या होगा इससे रिलेटेड। गाइजर प्रोवाइडर 1000 के फादर जो बोला था कि मतलब इससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे, तो गाइजर फाइनली वो आ चुका है। एंड गाइजर इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी को वो क्लिप दिखाऊंगा यानी कि तीनों कैमरा का कि क्या होता है एंड गाइजर आगे आप सभी को बताऊंगा कि क्या होगा और प्रोवाइडर का मतलब ये हिडन रेन का केस है या फिर कुछ और है, एक्सीडेंट है या फिर उसका गाड़ी 300 में था 100 में था, गाइजर क्या था आप सभी को इस वीडियो में कंफर्म पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी इस क्लिप को देखो। ये पुलिस को वहां से सिर्फ एक GoPro 8 और बैटरी मोबाइल चार्जर मिला था और एक उसका मोबाइल फोन, दो कैमरे GoPro 10 और 360 गायब हो गए थे। अनजाना शहर है, यहाँ से 370 किलोमीटर दूर है। GoPro 10 वहाँ 3 दिन बाद मिलता है, 360 कोरियर के द्वारा मेरे घर भेजा जाता है। तो आप ये सोचिए, मैं भी आपको इनकी क्लोज करके हालत दिखाऊंगा कि एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग जैसे पत्रकार कह रहे हैं भैया 300 में एक्सीडेंट हुआ, कोई ऑटो वाला कह रहा जी हमने तो देखा 100 में जा रहा था क्योंकि वह लिमिट ही 120 के आसपास है, किसकी बात मानेंगे। लेकिन इनकी हालत देख के मुझे नहीं लगता कि गाड़ी 60 या 80 किलोमीटर ऊपर चल रही होगी। सो इस क्लिप में तो अंकल ने GoPro एंड हाई स्पीड के बारे में बात की कि जैसे कि आप सभी ने सुना। एंड गाइजर आप सभी बेसब्री से एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि इंस्टा 360 यानी कि इंस्टा का क्या हुआ, इंस्टा 360 कैमरा यानी कि जो है मतलब गाइजर मेन मुद्दा वही है कि इस कैमरा में क्या हो रहा है। तो गाइजर इस क्लिप को भी दिखाया जाएगा, आप सभी टेंशन मत लो। एंड गाइजर ये नेक्स्ट क्लिप जो है 360 यानी कि इंस्टा 360 का होगा जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार करें। एंड गाइजर आप सभी को जल्दी से दिखाता हूँ एंड आगे क्या होता है आप सभी को वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो, ये देखिए 360 की हालत, ये देखिए सर 360, ठीक है, ये 360 इंस्टा 360 X3 मॉडल है। इसको क्लोज देखिए आप, पूरा स्क्रैचलेस है, ठीक है जी। ये देखिए जी पूरा स्क्रैचलेस है, मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा आपको भी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें माइनर जो हल्का स्क्रैच है वो सिर्फ शीशे पे है, कंच का आइटम नहीं टूटा है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चा उस दिन हाई स्पीड चला रहा होगा या स्लो स्पीड, क्योंकि कंच के आइटम है, ये कंच ही है मैं कहूँगा इसे। और मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये अभी मेरे को कैमरे पर दिखा रहा था, ये मुझे कैमरे पे दिखा रहा था अभी, तो ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये देख लीजिए आप, ये पूरा ओके कंडीशन में दिखा रहा है बिल्कुल एकदम ये वाला, क्योंकि मुझे पता है ना ये हाई स्पीड का मामला नहीं है, ये है, ये हिट एंड रन का मामला है जो पुलिस को हमारे को सहयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सो जैसे कि आप सभी ने सुना कि अंकल इस क्लिप में क्या करें, अंकल बोल रहे हैं कि अगर पुलिस से ठीक से काम नहीं हुआ तो कोर्ट तक भी जाएंगे एंड गाइजर वो इस केस को लड़ेंगे एंड जो भी हुआ है यानी कि न्याय दिलवाएंगे, यानी कि गाइजर जो भी गलत है उसे सजा दिलवाएंगे और अपने बेटे के लिए वो न्याय चाहते हैं। तो गाइजर नेक्स्ट क्लिप देखो कि अंकल ने क्या कहा है उसके बाद। आप जब चाहे मुझे ऑफिस बुला सकते हैं, आईटी में दिखा लीजिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, मीडिया साथ में आएगी, पता तो लगे क्या पूछा गया क्या जवाब दिया गया। ये ब्लॉग मेरे बनाने का मन नहीं था, लेकिन पब्लिक को ये सारी चीज़ें दिखानी है जिससे कि पब्लिक या बच्चे हर कोई इसे देखे, फिर खुद आइडिया लगाए कि अगर 300 में कोई चल रहा हो और ये उसने पहना हुआ हो और ये टूट जाए तो इनका भी क्या हाल होता है। इवन स्क्रैचेस भी नहीं है इन पर, स्क्रैचेस भी नहीं है, तो इससे क्या जाहिर होता है उसको गिराया गया है गाड़ी के आगे जानबूझ के। तो इसी में मैं उत्तराखंड की पुलिस से भी सहयोग मांगता हूँ, थोड़ा अब तो सहयोग कर दो, थोड़ी इंसानियत दिखा दो, बहुत बड़ी चीज़ कही है मैंने, बहुत बड़ी चीज़।
सो गाइज आप सभी को ऑलमोस्ट सारी बातें समझ में आ गई होगी कि प्रो राइडर 1000 के पापा ने क्या क्या एंड गाइजर प्रो राइडर 1000 आर्मी से यही कहना है कि गाइजर आप सभी कमेंट में अपना राय दो, यानी कि ओपिनियन दो कि आप सभी को क्या लग रहा है कि इसमें आमिर माजिद का कोई हाथ है या नहीं है। गाइजर प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ। एंड गाइजर मुझे क्या लगता है, मैं अभी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि गाइजर इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो ला सकता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर तो करो एंड गाइस दोस्तों में शेयर करो। गाइस जी मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड